नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में कि व्हाट इज़ ओपन इंटरेस्ट, क्या होता है ये, और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पैसे बनाने के लिए। लेकिन इसके पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए लैपटॉप पे, और अगर मोबाइल पे हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वक्त पे जितने भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कंबाइन करके, कि अगर पांच लोगों ने पोजीशन ली है फ्यूचर्स में और पांच लोगों ने पोजीशन लिया ऑप्शंस में, तो दोनों मिला के जो कॉन्ट्रैक्ट सारे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ कैसे होता है, डिक्रीज़ कहता है, इसको हम समझने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट बनता कैसे है। तो ओपन इंटरेस्ट बनता है कि जब भी कोई बायर और सेलर आता है अपोजिट व्यू के साथ, कि भाई एक को लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, एक को लगता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, और वो ट्रेड करते हैं तो मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक बाई करता है और दूसरा सेल करता है। और ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे होता है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कि पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी करके तीन लोग हैं। पर्सन ए को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर्सन बी को लगता है नीचे जाएगा। पर्सन ए एक लॉट खरीदता है, बी उसको एक लॉट सेल करता है, तो ए और बी ने मिला के एक ट्रेड किया और उससे जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक से इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि ओपन इंटरेस्ट एक से इंक्रीज़ हो गया। अभी पर्सन बी को क्या लगता है कि नहीं भाई, मैंने जो सेल किया था वो जा नहीं रहा है नीचे, तो हो सकता है ऊपर जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो वो क्या कहते हैं कि चलो बाई कर लेते हैं, तो उसको अब बाई करना है। और मार्केट में ही एक पर्सन सी है जो कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि पर्सन बी को भले ना लगता हो कि नीचे जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, तो वो कहता है कि चल ठीक है भाई, मैं तुझसे खरीद लूँगा, तू मुझे बेच दे। तो पर्सन सी ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है पर्सन बी से ट्रांसफ़र हो गया, सॉर्ट ऑफ आप इसको देखेंगे तो पर्सन बी ने बाई किया उसको पर्सन सी से। तो अब क्या है कि अब ये, अब जो पहला कॉन्ट्रैक्ट पर्सन बी के पास था वही कॉन्ट्रैक्ट अब उसके पास से ट्रांसफ़र हो गया पर्सन सी के पास। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सेम है। अब क्या है कि पर्सन ए के पास अभी वो बाई का कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, अब उसको बेचना है, उसको स्क्वायर ऑफ करने की वजह से लेट्स से एक्सपायरी पास आ रही है, और पर्सन सी के पास एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने बेचा है एक लॉट, अब उसे बाई करना है। तो अब यहाँ पे जब ये दोनों वापस आके ये ट्रेड को एक्सक्यूट करेंगे, दोनों अपना पोजीशन ख़त्म करेंगे, तो ओआई डिक्रीज हो जाएगा वन से। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ओआई इंक्रीज़ कैसे हो रहा है और ओआई डिक्रीज़ कैसे हो रहा है। तो ये था ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे होता है। और ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मनी कंट्रोल पे FNO सेक्शन के अंदर, ऊपर देखिए आप मनी कंट्रोल के पे जाइए, आप मार्केट में जाइए, फिर FNO जाइए और इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। इसका एक वीडियो के एंड में हमने ये बताया भी है कि कैसे ट्रेंड एनालाइज करते हैं आप OI डेटा के साथ, तो आप ये लास्ट में वीडियो देखिएगा तो आपको ये पूरा पता चल जाएगा। तो अब सबसे मेन बात जो है, हम देखते हैं कि प्राइस ट्रेंड जो होता है वो कैसे चेंज होता है OI डेटा से, और कैसे हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग उसमें लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, और उसका शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जाने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइस जैसे इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और लोग खरीद उसको कॉन्ट्रैक्ट्स में नए बना रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो उसमें यही पॉसिबिलिटी होती है कि लॉन्ग पोजीशंस आर गेटिंग बिल्डअप। तो अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ प्राइस तो नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट पोजीशन बन रही है स्टॉक में। तो लोगों को लग रहा है कि भाई और नीचे जा सकता है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हो सकती हो रही हो, तो प्राइस क्या है कि इसको नीचे जाएगा, तो लोग उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाने लगते हैं, तब ये ट्रेंड आता है। लेकिन अगर आप देखें कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, तो एज्यूम कीजिए कि एक स्टॉक दो दिन तक बढ़ा, उसमें प्राइस इंक्रीज़ हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ, अभी तीसरे दिन उसमें प्राइस इंक्रीज़ हुआ है लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा डिक्रीज़ होने लगा, तो इसका मतलब कि अब बायर्स में थकावट आने लगी थोड़ी, तो पोजीशंस नया लेने में, तो इसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशंस लिए हैं लोग उसको बुक कर सकते हैं और उसकी वजह से करेक्शन आ सकता है मार्केट में। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग के सिग्नल्स हैं, लेकिन उस स्टॉक में थोड़े लॉन्ग पोजीशन पहले से बने होने चाहिए। और अगर इसी तरह से हम देखेंगे कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर एज्यूम कीजिए कई लोग ने एक स्टॉक को बहुत शॉर्ट किया, अभी थोड़ा तो प्राइस नीचे गया नेक्स्ट डे, लेकिन अब ओपन इंटरेस्ट बहुत डिक्रीज़ होने लगा, तो इसका मतलब है कि अब लोग लग रहा है भाई काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया ये,
अब इसको तो लोग खरीद सकते हैं, तो इसलिए स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत चांसेस हैं। तो ये है कि प्राइस ट्रेंड और ओपन इंटरेस्ट, इसको हम देख के कैसे कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या होने वाला है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको हम इस चीज़ को हमने तो देखा कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि इससे हम पैसे कैसे बनाएंगे एक्चुअली जो शेयर है। तो अभी आप इस इंडिकेटर को कि जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, प्राइस जो ट्रेंड है, इसको आप अकेले यूज़ करेंगे तो थोड़ी प्रॉबिलिटी कम हो जाती है प्रॉफिट की। मोस्ट प्रॉब्ली वो भी सही रहता है, बट थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर आप इसको और किसी इंट्राडे इंडिकेटर या शॉर्ट टर्म इंडिकेटर लाइक सपोर्ट रेसिस्टेंस देख के या RSI इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर के साथ लगा दें, और आप इसको डिलीवरी परसेंटेज से भी लिंक कर दें अगर कि डिलीवरी परसेंटेज कितना हो रहा है, क्या वो डिक्रीज इन प्राइस हो रहा है विथ हाई डिलीवरी परसेंटेज एंड ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज इंक्रीज, तो उस केस में तो ज़रूरी ही वो नीचे जाएगा। तो ऐसे ही आप डिसाइड कीजिए, कंबाइन कीजिए कोई भी और इंडिकेटर से आप डिलीवरी वॉल्यूम्स ले लीजिए या सपोर्ट डिस्टेंस ले लीजिए, उसके बाद से आप अपना पोजिशन लीजिए एक स्टॉप लॉस के साथ, और जब भी आपका टारगेट प्राइस आए तो उसको बुक करके प्रॉफिट कमाइए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में खेल रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है, आपका ये प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हाई तो रहती है अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए, 10 में से अगर आपका 8 बार भी टारगेट आता है और 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। चलिए दोस्तों, अभी हम एनालाइज करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं और इससे क्या ट्रेंड हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आप मार्केट्स में जाएंगे। एक बार आप मार्केट्स में गए तो उसके अंदर आप देखेंगे एक सेक्शन है ऊपर FNO का। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो FNO में होती है, तो आप FNO पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा स्नैपशॉट FNO मार्केट का दिखा रहा है, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का। यहाँ ऑप्शन है कि आप कोई भी स्टॉक और उसका एक्सपायरी सेलेक्ट करके उसके फ्यूचर के बारे में डिटेल ले लें। इंडेक्स का फ्यूचर दिखा रहा है, न्यूज़ दिखा रहा है, FNO का स्टैट्स दिखा रहा है कि टॉप गेनर क्या है FNO में, टॉप लूज़र क्या है, और कितने उसके चेंज हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या परसेंटेज चेंज हुआ है, ये सब डिटेल है। सेक्टर वाइज भी देखिए दिखा रहा है कि आपका ऑटोमोटिव सेक्टर के स्टॉक्स में क्या ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, क्या कम हुआ है। और फिर ये इसके बाद आप सबसे नीचे अगर जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। तो इस पर आप क्लिक कीजिए इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट पे। FNO स्टैट्स के अंदर, FNO स्टैट्स आप देखेंगे तो उसके अंदर इंक्रीज इन, अब यहाँ पे देखिए खुल गया हमारे पास डेटा जहाँ इंक्रीज हुआ है। अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस एक्सपायरी को, करंट एक्सपायरी को जो 29 जून को ऑल फ्यूचर्स में, तो हम देख सकते हैं कि सारा जो इंक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट वो कहाँ कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली आप ट्रेंड भी इससे देख सकते हैं, सब चीज़ इससे देख सकते हैं। अभी आप देखिए REC लिमिटेड, भेल, आरकॉम जो यहाँ के हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 24% हुआ है, 17% हुआ है, 4% हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो 24% है, देखिए काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है REC में। और आप यहाँ सारा डिटेल देखिए, इस डेट की एक्सपायरी है, लास्ट प्राइस इतना है, चेंज परसेंटेज में इतना हुआ, हाई लो बता रहा है, एवरेज बता रहा है, शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कितना इंक्रीज़ है कितना डिक्रीज़ हुआ है टोटल शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर अभी आप ये दिखा रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ है, फिर इंक्रीज़ कितना हुआ है ओपन इंटरेस्ट में कल से आज तक के बीच में, और कितना परसेंटेज है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल REC को लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ डिक्रीज़ हुआ है प्राइस और इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो आप यहाँ देखिए इसके ग्राफ पे मैं आ गया, तो आप देखिए एक शार्प फॉल हुआ है जिसके बाद से कल से आप देखिए थोड़ा एक डाउन ट्रेंड साइज में है, और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक कभी करंट आया, बट ट्रेंड अभी भी आप देखिए कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ नहीं हुआ है, वो इंक्रीज़ ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो 22 के राउंड था, यहाँ 24 हो गया है ऑलमोस्ट। सो आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ ही हो रहा है और प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत मोस्ट प्रॉब्लम है कि अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है, जैसे 16 मिलियन एक बड़ा वॉल्यूम है इसके साथ हो रहा है, तो ये ट्रेंड मोस्ट प्रॉब्ली कंटिन्यू रह सकता है। अगर निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रिवर्सल ना दिखाए कुछ ऐसा है नॉर्मल मार्केट में, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह से हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को देख सकते हैं। तो ऐसे सारे स्टॉक्स का दिया है, फिर इसी में हम अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आता है, आप देखिए इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीज़ इन प्राइस। तो हम इस लिंक को क्लिक करते हैं जो इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीज़ इन प्राइस बता रहा है। तो अब इस पे हम जाते हैं, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल आ गया आपका।
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन ऑल फ्यूचर्स फॉर ऑल एक्सपायरीज। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 29 जून का इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, और हम इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ दिखा रहा है, देखिए आपकी आरकॉम का स्टॉक ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि लास्ट प्राइस इतना है, प्राइस में इतना चेंज हुआ, परसेंटेज प्राइस में इतना चेंज हुआ, हाई लो दिखा रहा है, एवरेज प्राइस दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट में कितना हुआ, और 4% दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ। यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आज का वॉल्यूम कितना और प्रीवियस वॉल्यूम कितना था और कितना चेंज आया। तो आप देखिए 29% जो है अभी तक के ट्रेड में कल के टोटल वॉल्यूम से इतना डिक्रीज़ है वॉल्यूम पे। अभी आप यहाँ देखिए इंक्रीज़ इन प्राइस विद इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसका आरकॉम का ग्राफ देखें तो कल हमने 26 से बहुत हैवी फॉल देखा है इसमें अराउंड, और आज थोड़ा बाउंस बैक बन रहा है। तो ये थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है कि एक बहुत ही बड़े फॉल के बाद अगर इंक्रीज होना स्टार्ट किया है ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों, तो इसका मतलब है कि थोड़ा बाउंस बैक टेम्प्रेरी टाइप का आ सकता है। तो आप यहाँ देखें आरकॉम में बाउंस बैक आ सकता है। फिर आप और भी कोई स्टॉक उठा लीजिए, लेट्स सी अरबिंदो फार्मा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 45 रुपीज़ का 8% का इंक्रीज़ हुआ है और 8% ओपन इंटरेस्ट में भी इंक्रीज़ हुआ है, और वॉल्यूम आप देखेंगे कि कल के 10 लाख के वॉल्यूम के अगेंस्ट में आज 20 लाख का अभी तक ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काफ़ी बुलिश रिवर्सल का ट्रेंड लग रहा है। लेट्स सी अरबिंदो फार्मा। तो आप अरबिंदो फार्मा का ग्राफ देखिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 506 के लो से, अपने लाइफ टाइम ऑलमोस्ट लो से एक बहुत ही अच्छा स्पाइक दिया है, और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस ट्रेंड भी इंक्रीज़ है। तो ये रिवर्सल के साइंस, इनिशियल साइंस है जो रिवर्सल के हैं, और आप देखेंगे ये भी स्टॉक काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड से था और रिवर्सल दिखा रहे हैं अभी। तो ऐसे दोस्तों हम एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे डिक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज़ इन प्राइस दिया है, इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज़ इन प्राइस दिया है। तो इन सारे लिंक्स को यूज़ करके आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी एक्सपायरी का सारा डिटेल, और इससे आप एक ट्रेड ले सकते हैं दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके। तो ये था पूरा OI के बारे में, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।